तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा आया है, एगो तोड़े है ना, तोड़ के दिखाए हैं। अब मसाला, ये अगर मसाला लोग डालें ना तो बहुत टेस्टी लगेगा। क्या बना रही हो मम्मी? आज हम ये फिश फ्राई बनाएंगे। फिश फ्राई? हाँ, क्योंकि सबको आज खाने का मन है, ठंडी इतनी है कि आज फ्राई किया हुआ ही मछली बने। ये कौन सी फिश है मम्मी? ये रेहू मछली है। रेहू मछली? हाँ, छोटी रेहू मछली। हाँ, छोटी ही है, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। ठीक है। हाँ, तो अब इसके लिए हम मसाला बता दें सबको कि देखिए, ये हम एक गांठ लहसुन और एक चम्मच सरसों पीस लिए हैं। इसका बहुत ही अच्छा और स्पेशल टेस्ट आएगा, इसमें हम डाल देंगे। पीस लिए? हाँ, ये पीस, हाँ पीस के रख लिए थे, उतना ही पीसे हैं और दिखा दिए हम। अच्छा, सरसों पीसने के बाद थोड़ा सा? हाँ, सरसों हाँ थोड़ी फैलता है ना, फिर तो लहसुन है, पानी सूख ही जाएगा। इसमें देखिए इतना हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधी चम्मच, छोटी चम्मच से ही है। थोड़ी सा धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हम धनिया पाउडर लेंगे। फिर थोड़ी सा 1/4 ही मतलब जीरा पाउडर। देखिए ये मिर्ची है, मिर्ची हम थोड़ी तीखा लेंगे, तो आधी चम्मच हम ये वाली मिर्ची ले रहे हैं और आधी चम्मच हम ये चिली फ्लेक्स, जिसको हम कूट के मिर्ची रख लिए थे वो हम डालें। हाँ, कूटी हुई मिर्ची इसको डालेंगे। हाँ, चिली फ्लेक्स डालेंगे। थोड़ी सा हम काली मिर्च डालेंगे, काली मिर्च पाउडर। हाँ, काली मिर्च पाउडर, ये गया काली मिर्च। हाँ, पाउडर, काली मिर्च पाउडर गया। अब हम नमक डाल देंगे, देखिए स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। इस चम्मच से करीब, एक चम्मच से आधी एक चम्मच पड़ा है इससे। अब यहीं देखिए मेन इसका चीज है ये हम कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। आप यहाँ चाहे तो मैदा डाल सकते हैं, बेसन डाल सकते हैं, सूजी भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, क्रंची बनेगा। हाँ, क्रंची बनेगा। अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हाथ से ही अच्छी तरह मिला देंगे। अब देखिए यहाँ ये नींबू, देखिए नींबू है, आधी नींबू है, इसको भी डाल देंगे। ये गरम मसाला है, इसको भी डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिला देंगे। अब इसमें हम थोड़ी सा कश्मीरी मिर्च डाल देंगे, ये कलर के लिए कश्मीरी मिर्च गया इससे एक चम्मच। बस इसको मिला के हम आधा घंटा के लिए रख देंगे, ताकि इसका पूरा जो फ्लेवर है, नमक है, सब मछली के अंदर चला जाएगा। इसमें पानी नहीं डालना है, पानी डाल के नहीं मिलाना है। ठीक। देखिए आधा घंटा मछली को रखे हुए हो गया है मसाले में, अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल में देखिए ये कढ़ाई हम चढ़ा दिए हैं, इसमें सरसों तेल डाल दिए हैं। और सरसों तेल भर के नहीं डालना है कि मछली डूब, मतलब ऊपर तक आ जाए, बस नीचे का तली मछली का डूबा होना चाहिए तेल में। सरसों के तेल में ही ज़्यादा अच्छा बनेगा, ऐसे आप जो चाहे उसमें कर सकते हैं। देखिए अब मछली को हम फ्राई करेंगे, आँच को बहुत तेज नहीं रखना है, नहीं तो मछली जल जाएगा, अंदर तक तैयार नहीं होगा। बहुत जल्दी बनता है मम्मी? हाँ, बहुत जल्दी मछली फ्राई, मछली बनाने में कितना टाइम लगता है, बस ज़्यादा नहीं डालते हैं, नहीं तो टूटने का वो रहता है ना फिर। बस इतने ही डालेंगे हम, और डालते के साथ मछली को नहीं पलटना है जब तक वो मत करक ना हो जाए नीचे से। देखिए मछली फ्राई हो गया है, ये करीब 6-7 मिनट लगा है इसको फ्राई होने में, मीडियम आंच पर उलटते पलटते हुए हम इसको तले हैं, ताकि ये अंदर तक भी पक जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा आया है, अब दूसरा शिफ्ट भी इसी तरह हम बना लेंगे।
देखिए पूरा फिश फ्राई हो गया है, अभी ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही अच्छा फ्राई हुआ है, देखिए देखिए ऊपर से कुरकुरा है, अंदर से जूसी है। अब हम कहेंगे कि आप लोग भी फ्राई करिए मछली, और ये ठंडे के मौसम में इंजॉय करिए। और आपका मछली कैसा फ्राई हुआ हमको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमको आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहता है। चले अब सर्व करने के लिए, सर्व तो हो ही गया है, तुम लोग खाना शुरू कर दो। और सब मिला के मुश्किल से 15 मिनट लगा है फ्राई करने में, 10-15 मिनट फटाफट बन गया है। अब बहुत अच्छा ऊपर से कुरकुरा भी हुआ है, देखिए अंदर से जूसी बना है, मस्त दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये वाला पीस देखो मम्मी, क्या बढ़िया सा दिख रही है, क्रंची हो गया मम्मी। हाँ, एक पीस खा लूँ क्या फिर मैं जल्दी से? खा ले, चलो ये वाला पीस खा लेता हूँ मैं। ये हड्डी लग रही है बहुत है। कैसा अच्छा लग रहा है, टेस्ट उस नमक मसाला सब कैसा लग रहा है? सब बराबर एकदम बढ़िया। नींबू का हल्का सा हुआ है। इसको देखो किसी चीज़ में मतलब फ्राई, जैसे कि बेसन में भी कोई कर सकता है, जरूरी नहीं है कि कॉर्नफ्लावर हो वही होगा, मतलब बेसन में हो सकता है, मैदा में हो सकता है, सूजी और बेसन मिला के भी हो सकता है, जिसके घर में वर्तमान में जो हो उसमें कर ले, जरूरी नहीं है कि मतलब किसी उसी में हो। हाँ, करने फ्लोर में हो, ये हो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो है। हाँ, मेरे पास वो था तो वही डाल दिए हैं। अच्छा। हाँ, उसमें भी बहुत अच्छा है, इसमें भी देखो कितना अच्छा क्रंची हुआ है। नहीं, क्रंची तो बराबर है। अब मसाला, ये अगर मसाला लोग डालें ना तो बहुत टेस्टी लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर मतलब प्याज और ये सब का रहता है, ये बिहारी मसाला है, बिहारी ढंग से इसको फ्राई किया हुआ है। बढ़िया मस्त पीस है ना, एगो तोड़े है ना, तोड़ के दिखाए हैं, दिल वाला पीस, क्या मस्त दिख रहा है, मस्त मना मम्मी, एक नंबर, पराठे के साथ खाएंगे। हाँ हाँ।